हम फाइनली अपने जेक में DRL इंस्टॉल करवाने वाले हैं। अपनी किट वगैरह जो है वो भी आ चुकी है, देख सकते हैं कि हमारा मास्क है भाई, ये भी हो चुका है रेडी। सबसे पहले क्या करेंगे, बाइक के हेडलाइट वगैरह ले लेंगे भैया से। अभी हम जा रहे हैं मार्केट साइड, उनकी शॉप से मुझे लाइटिंग वगैरह लेनी है। ये सब हमने ले लिए, स्ट्रिप वगैरह ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा सामान। ये चार नट पता कितने के, 280 रुपए के। तो गाइस फाइनली अभी हमारी लाइट देखो आधी खुल चुकी है, पर भी देनी पड़ती है। तो गाइस अभी फाइनल टेस्टिंग हो रही है, अभी मैं इसको प्रॉपर फिट कर देता हूँ, तो उसके बाद लोग दिखाऊंगा आपको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फाइनली आज हम जा रहे हैं अपने जेक में एक मॉडिफिकेशन कराने। वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल देख करके समझ गए होंगे भाई, तो क्या छुपाना आपसे, चलो बता देते हैं। तो आज हम फाइनली अपने जेक में DRL इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो अभी मैं मार्केट जाऊंगा, पहले तो वहां से DRL हम देखेंगे कि कौन से कलर की बढ़िया रहेगी। वैसे तो मेरे को रेड ही पसंद है, तो मैं रेड ही लगाने वाला हूं, क्योंकि रेड और नियॉन का मिक्सअप सही रहेगा। तो रेड कलर की DRL हम आज उसमें इंस्टॉल करवाएंगे, और हम RGB नहीं ले रहे भाई, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगी। मैंने प्राइस चेक करा भाई, 5-6 हज़ार की बता रहे हैं, इतनी महंगी। इतने में तो भाई मैं पूरी गाड़ी लोड करवा दूँ। नॉर्मल जो रेंज के DRL रहेंगे वही वाली इंस्टॉल करेंगे, एक कलर की। मल्टी कलर का करना क्या है भाई, लोगों ने तो बस DRL से मतलब, लोगों को क्या मतलब कि भाई इसमें 10 कलर जलते हैं, एक कलर जलता है। बात तो सही है। अपनी किट वगैरह जो है वो भी आ चुकी है, हमारे R1 की किट है, दोबारा से पेंट होकर के आई है बढ़िया करके एकदम। तो इसमें सब कुछ पैनल है, और ये देख सकते हैं कि हमारा मास्क है भाई, ये भी हो चुका है रेडी। सामान जो है हमारा रेडी है, बस अब इंस्टॉल करवाना है बाकी। और आज हम भाई एग्जॉस्ट भी लगवाएंगे, इस व्लॉग में नहीं अगले व्लॉग में। तो फिलहाल अभी का सीन ये है कि अभी मैं रेडी वगैरह सब कुछ हो चुका हूँ, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ। और जो जेक है ना, जेक यार खुल रखा है, क्योंकि मैंने उसका ना टी वगैरह का काम करना है, कौन सेट वगैरह उसमें डलना था, तो मैंने कौन सेट डलवा दिया उसमें। तो जेक अभी क्या है कि भैया की शॉप पर खुल रखा है, तो अभी दिखाऊंगा आपको आगे का सीन। अभी मैं जाने वाला हूँ कार से, और ये सब सामान मैं कार में लोड करूँगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। और हेडलाइट निकाल करके जाऊंगा शिवम भाई के घर, कि वहीं बैठ करके हम वगैरह करेंगे इसका। मम्मी ने देखते क्या बनाया नाश्ते में। गाइस ये चेक करो, आज बनी है लौकी की सब्जी और पीनट बटर, बाकी ये पीनट बटर मेरी मम्मी ने घर पे बनाया खुद से। भाई आज घर का पीनट बटर खाते, मैं आफ्टर मार्केट पीनट बटर वगैरह कभी नहीं खाता भाई, मतलब मैं घर से बनाता हूँ, तो मेरी मम्मी घर पे बनाती है बहुत बढ़िया करके। तो आप लोग भी घर का बनाया हुआ खाया करो, क्योंकि यार क्या फायदा रहेगा, 500 रुपये का आप बाजार से लोगे, इतने में तो 250 रुपये में घर पे रेडी हो जाते हैं, और बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं फुल पावर। तो गाइस टेस्ट करते हैं, सुपर्ब। तो फटाफट नाश्ता करता है, उसके बाद निकलता है। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपनी कार में, देख सकते हो आप, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, बाइक के हेडलाइट वगैरह ले लेंगे भैया से, क्योंकि भैया ने वो सब नहीं निकाली होगी शायद, तो वैसे मैंने बोल तो दिया था। तो पहले हेडलाइट निकलवाएंगे, और उसके बाद बाइक वाले भैया के शॉप में जाएंगे, मॉडिफिकेशन वाले भैया की, उनकी शॉप से मुझे लाइटिंग वगैरह लेनी है, उसके बाद जाएंगे सीधा शिवम भाई के पास। बारिश भी पड़ रही है यहाँ पर, तो चलते यार, मौसम भी बहुत बढ़िया, और एकदम धूप तो आई नहीं रही भाई। बताओ मई का महीने चल रहा है, क्या टाइम आ चुका है यार, बताओ सर्दी लग रही है, और हुड वगैरह रखना पड़ रही है। देखो मैंने हुड वगैरह लेकर के चल रहा हूँ साथ में, कहीं ठंडा ना लगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भाई क्या टाइम आ चुका, पता मई का महीना चल रहा है, गर्मी होती थी इस टाइम पर इतनी, पता अभी बारिश हो रही है, सोचो बारिश के टाइम पर क्या होगा, तगड़ा करके बारिश होने वाली है भाई इस साल, तो बहुत का भाई सीन होने वाला है। तो गाइस अभी हम आए थे भैया के शॉप में, देख सकते हो आप पीछे, और अभी हमने वायर्स वगैरह सब कुछ ले लिए, ये सब हमने ले लिए, स्ट्रिप वगैरह, और ये रहा भैया का हीट गन, तो ये भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अभी चलते हैं यार, बहुत बहुत थैंक्स भाई का, भाई ने अपना सामान दे दिया, तो अभी निकलते हैं कार से। भाई ऐसे कोई नहीं देता भाई, मतलब अपना सामान अपने वगैरह, मतलब काम की, क्योंकि उन्हें भी काम करना होता है, बट फिर भी दे दिया भाई ने, तो बहुत बहुत थैंक्स है भाई का। तो अभी निकलते फुल पावर यहाँ से। हम लोग पहुंच चुके हैं शिवम भाई के घर, और यहाँ पर बारिश भी हो रही तगड़ी करके, तो ये देख सकते हैं ये रहा हमारा सामान। अभी मैंने शिवम भाई को कॉल करके बोला कि फटाफट से आ जाओ, क्योंकि सामान वगैरह उठाना है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं शिवम भाई के घर, और ये चेक करो गाइस रूम यहाँ का, पूरा इन्होंने कार्टून सेटअप बना रखा है यहाँ पर। रूम दिखा दो पहले, मैंने तो दिखाया नहीं रिव्यू में। तो ये चेक करो यहाँ पर, अभी हमारा सामान वगैरह सब कुछ खुल चुका है, और ये रहे हमारी स्ट्रिप लाइट, और ये वायरिंग वगैरह, बाकी हीट गन वगैरह सब कुछ लाया, बट एक चीज लाना भूल गया हम, क्या नाम था उस चीज़ का, ब्लूगन मशीन। हाँ ब्लूगन मशीन, जिससे कि गम वगैरह निकलता है उसका लगाना पड़ता है वापस, जिससे मतलब वो चिपकेगा, वो लाना भूल गया। तो अभी खोल रहे हम हेडलाइट, और देखते हैं किस किस तरीके से होने वाला है, बहुत भयंकर जाले आ रहे, सारे नट संभाल करके रखने पड़ेंगे, अगर एक हो गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कल मैंने पता करा ये चार नट पता कितने के, 280 रुपए के, असंभव। देख रहे 280 के भाई, यामा को पालने इतना आसान नहीं है भाई, ये चार नट भयंकर 280 के बता रहे थे कल शोरूम में, मेरी तो हालत ही खराब होगी सुन करके। मैंने कहा 280 के, मैंने तो नीरज भाई को बोला, मैंने कहा भाई सेटिंग करा देना मेरे लिए। गाइस अभी हमने खोल दिया सेटअप, और अभी हीट गन से ना इसके जो सिलिकॉन है ना वो निकाल रहे हैं, जिससे कि ये छूट जाए, इसको गर्म करें जिससे कि वो अपनी पकड़ छोड़ दे, और उसके बाद जाकर के लाइट बाहर आ जाएगी, और पीछे का पैनल अलग निकल जाएगा। गलती से मैंने इसके एडजस्टर को छेड़ दिया, तो अभी मेरे को ये भी ठीक करना पड़ेगा बाद में जाकर के, मैं पूरा घुमा देगा पेचकस से, मुझे लगा ये खोलना होगा। तो गाइस फाइनली अभी हमारी लाइट देखो आधी खुल चुकी है, पर बहुत ज्यादा हार्ड है इसको निकालना, मतलब हालत ही खराब होगी भाई, डर भी लगेगा कि टूट ना जाए, बड़े आराम से निकाल दे, देखो बहुत ज्यादा गम जो है ना इसका बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अभी हमें ड्राइव भी मारना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत खतरनाक करके आ रहे हैं। तो ये निकल चुकी है हमारी लाइट, और ये देख सकते हो अभी कुछ, ओहो गर्म बहुत हो रही है यार भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है,
क्या यार 5000 रुपए की लाइट है, बताओ क्या है भयंकर इसके अंदर, कुछ भी नहीं है साला। A few moments later, जब अभी हम बाहर गए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने, भाई रिश्वत भी देनी पड़ती है ना, ऐसे सीन है, पर ऐसे फ्री में काम नहीं होता, रिश्वत लेते हैं उसके बाद जाके काम होता है। अभी ला रखे हैं ये सब, ये देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा ना, इसमें आपको एक पॉइंट से कट करना है, देखो एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा तो अगला पॉइंट यहाँ पर था, हमने यहीं से कट करी है, एंड उसके बाद जाकर के आपको उसका फेस ना अच्छे से कट कर लेना, और आपको अंदर दिख रहा होगा ये वायर कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से वायर कुछ लग जाएगी, ये देख सकते हो आप, ये वायर के दोनों मुंह यहाँ पर शोल्डिंग कर देना, उसके बाद ये ना पॉइंट सीधे से जुड़ जाएगा, देख सकते हो जैसे हमने यहाँ जोड़ दिया, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो उसके बाद आपको एक लेयर तो इस तरीके से कट करके लगा लेनी है। अभी दूसरी वाली हमने कट करी तो यहाँ से जॉइंट हो जाएगी, मतलब और यहाँ से यहाँ तक आएगी, और यहाँ से वायर कनेक्शन अलग निकल जाएगा, तो इस तरीके से करनी है आपको, सिंपल प्रोसेस है, बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी फाइनल टेस्टिंग हो रही है, जरा हमने वायर वगैरह सब लगा दी दोनों साइड, देखो यहाँ स्ट्रिप पूरी आ गई, यहाँ इधर भी और इस साइड भी, दोनों साइड अभी स्ट्रिप पूरी हो चुकी है। ओहो बड़ी भयंकर भाई लग रही है, कुछ खतरनाक, ब्राइटनेस बहुत तेज है इनकी, बहुत तगड़ी लग रही है भाई, ये देख सकते हो गाइस बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है बिजली की वजह से, वायरनेट ये दो कनेक्शन है कि यहाँ पर एक यहाँ पर, बाकी इस साइड भी यहाँ पर और यहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं भाई की शॉप में, और अभी मैं शिवम भाई के घर से यहाँ आ चुका हूँ, तो अभी हम सामान फिट करने जा रहे हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पर बाइक हमारी रेडी है, तो मैंने जैसे सब कुछ खुलवा रखा था क्योंकि इसमें कौन सेट वगैरह सब कुछ चला, तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं भैया के शॉप में, लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से एलईडी अपनी बैठ चुकी है, और अब मैं आपको फाइनल बता दूं कि वायरिंग वगैरह मैंने पूरी यहाँ से ले ली, उसके बाद जो यहाँ पे आपकी स्टॉक जो रील रहती है ना आपको इससे कनेक्ट करना है, तो क्या करना है आपको जो उसके अंदर आपको एक वायर डाल लेनी है अंदर को, बाकी एक वायर आपको बाहर रखनी है, और उसके बाद आप इस पे कनेक्ट कर दोगे अर्थिंग के लिए। अभी मैं इसको प्रॉपर फिट कर देता हूँ, तो उसके बाद लुक दिखाऊंगा आपको, अभी कुछ अच्छी अभी जला करके दिखाता हूँ मैं आपको, जलाना तो गाइस ये चेक करो, फ्लैशर इंस्टॉल कर रखा है छोटा वाला, तो आप देख सकते हो क्या ही लग रही है भाई जहर एकदम। तो बस कमेंट ऑन करके बताना कि आपको ये वाला मॉडिफिकेशन कैसा लगा जेक में, और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं जेक में जल्दी से एग्जॉस्ट डाल दूं तो कमेंट ऑन कर देना, जैसे ही आपके कमेंट आ जाएंगे तो भाई मैं वो वाला ब्लॉग भी जल्दी ले आऊंगा। बाकी इसमें अभी और भी मॉड होने वाले हैं, मतलब अभी आज मास्क और किट वगैरह सब कुछ लगने वाली, अंडरवेयर वगैरह सब कुछ लगने वाली आफ्टर मार्केट और एग्जॉस्ट भी, तो भाई कमेंट ऑन कर देना, पूरा कमेंट बॉक्स भर देना, ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।